अभिरा के माथे से हटने वाला है बांझ का कलंक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आप देख रहे हैं कि अरमान और अभिरा के रिश्ते में खटास आ रही है। लेकिन जल्द ही अरमान को अपनी गलती का एहसास होगा और ऐसे में अरमान बिना देर किए और एक भी मिनट गवाए अभिरा से माफी मांगेगा। अब अरमान दांडिया के समय पर भी अभिरा को मनाने की कोशिश करता नजर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मनोज का पारा काफी हाई हो गया है, क्योंकि मनोज अपनी पत्नी के आगे भी खूब गुस्सा निकालने वाला है। वहीं अब अभिरा की वजह से परिवार दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। जी हाँ, इसी बीच आप आगे देखेंगे कि अभिरा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर भी ताने सुनने वाली है और लोग अभिरा को बांझ बताएंगे, जिसके बाद अभिरा मंदिर में जाकर खूब आंसू बहाने वाली है। अब इसी बीच अचानक से अभिरा को चक्कर आ जाएंगे और जब अभिरा हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाएगी तो यहाँ उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई है। जी हाँ, यहाँ डॉक्टर ने उसे बताया है कि वो माँ बनने वाली है और डॉक्टर अभिरा से बच्चा गिराने के लिए कहेगी। जी हाँ, डॉक्टर अभिरा से कहने वाली है कि बच्ची की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। अब अभिरा चाहकर भी अरमान को प्रेगनेंसी की बात नहीं बता पाएगी। वहीं इसी बीच आप देखेंगे कि कावेरी दादी साहब भी बीमार पड़ गई है और हॉस्पिटल में बेड पर वो अपनी वसीयत का ऐलान करेंगी। अब ऐसा होते ही परिवार में हड़कंप मच जाएगा। वहीं आगे आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अभिरा भी परिवार के लोगों को अपनी माँ बनने की खबर सुनाएगी और अभिरा अपना बच्चा गिराने से साफ इनकार कर देगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जब अरमान को इस बात के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या फैसला होने वाला है। क्या वो अभिरा को अपने पास रखेगा या फिर वो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहेगा। वेल, ये तो अब देखना होगा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आने वाले एपिसोड में कहानी होने वाली है और भी इंटरेस्टिंग। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।